नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सीएसके की आज बात होने वाली, चेन्नई सुपर किंग्स। इनका एक हमेशा से एक ये आप कह सकते हो ऑरा रहा है या फिर ये रिवाज रहा है कि भाई अगर इनका एक सीजन खराब जाता है तो उसके अगले सीजन में ट्रॉफी लेके उठते हैं। वैसे ही मुझे इमेजिनेशन ऐसी हो रही कि अगर पिछले सीजन खराब गया तो क्या पता इस सीजन ट्रॉफी लेके जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई और अनिकेत भाई स्पोर्ट्स विद ब्रोस से। चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशन की आज बात होने वाली है। बोलो भाई। यार तुमने देखो फिर से मेरे को चेन्नई के लाइन में लेकर आया हूँ। मैं बोल देता हूँ ट्विटर पे कि मैं चेन्नई का फैन हूँ नहीं, और फिर से आज स्टार्ट यही होगा कि अरिकेत भाई हो तो चेन्नई के बोल दो बोल दो बोल दो। अरे चलो कोई नहीं, चेन्नई पे ही बात करते हैं यार। इतनी बड़ी टीम है, मतलब लोग जो बोलते हैं कि बैन होने के बाद बैन होगी 2 साल का, लेकिन उस बैन के बाद ये 3 बार टाइटल इसने उठा लिया, किसी ने तो एक बार भी नहीं उठाया। चलो नो, अब समझ लो मैं किसको हार्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी टीम बनेगी यार, बट यही है कि एक 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 क्वेश्चन देखो तो आप अगर ट्विटर भी देखो एमएस के फैन, ऐसा मेरे से भी पूछो तो मेरे को ऐसा लगता था कि धोनी को 23 में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, लेकिन ट्विटर भी आधे, मतलब क्रिकेट ट्विटर या क्रिकेट जो भी वर्ल्ड आप कह सकते हो, वो तो आधे भाग में बैठा। कोई कह रहे हैं कि धोनी को एज अ मतलब खेलना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। मेरे लिए भी था 23 में उनको ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, खेलते देखेंगे, मजा आएगा। और वैसे उनको भी शायद दिखता है जितना आरसीबी से बदला निशान भी तो ले वाला। लें। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूँ कि वो, अरे वो बदला क्या यार, एक मैच जीतने से क्या, वो आईपीएल जीत गए, ये बताओ ना, वो आईपीएल जीत गए, वो हाइप उनका था, ना वो ना, तो एक वो मैच जीत, मैच मैं एक बता रहा हूँ, वो बोलो मैच बोलो। इतना तगड़ा था, वो आरसीबी और सीएसके का। मैं पिछली बार बता रहा हूँ, पिछली बार कामों में इतना बिजी रहा था कि मेरे को आईपीएल देखने का टाइम नहीं मिलता था। मैं खुद की फ्रेंचाइजी के मैच नहीं देख रहा था। आरसीबी और सीएसके का जो मैच था, मैंने एक एक बॉल देखी थी उस मैच की। और जो रिएक्शन, इतना अग्रेसिव सेलिब्रेशन जो उन्होंने किया, इतना तरीके से, भाई क्या सेलिब्रेशन किया है, जो समझ नहीं आया कि पूरा जैसे ट्रॉफी जीत गया ना वैसा सेलिब्रेशन देखा होगा मैंने आरसीबी का। सीएसके की राइवलरी से बड़ी होगी आरसीबी और सीएसके की ये गेम और जो होगी। फैंस में तो और भी ज्यादा होगी। तो ये यार चेन्नई के सबसे चेन्नई की रिटेंशन की बात से पहले, एक जो बीसीसीआई नया रूल लेके आया अनकैप प्लेयर का, तो क्या लग रहा है कि माही भाई दोबारा आ रहे हैं फिर 4 करोड़ की डीलिंग के अंदर, या फिर ऐसा हो जाएगी वो नहीं आए और फिर बोले कि अपने पर्स बचा ले। तो वैसे तो 4 करोड़ में कुछ घंटा फर्क पड़ेगा नहीं सीएसके को भी, वो ले लेंगे धोनी को, क्या आ जाओ भाई 4 करोड़ में एज खेलेंगे एन धोनी, अब अनकैप तो प्लेयर। खेलते, रूल ही चेंज किया गया है यार किसी किसी के लिए, तो वो तो खेलना तय है, ठीक है। अब वो खेलेंगे कितने बॉल, मतलब इस बार भी ऐसा लग रहा था कि उनको खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जब जब मतलब मैच खत्म हो जा रहा था तब बैटिंग करने आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को भी अपने सुपर भेज रहे थे। खेलेंगे तो जरूर, मतलब एक प्लेयर तो आप पंजाब सोच वाला लो, मैच। और 5 प्लेयर आप देख लो कि कौन से होने वाले हैं। एक प्लेयर तो ये कंफर्म है, 5 भी आप लगभग कंफर्म ही है यार। आप देखो तो मतलब नहीं ऋतुराज देखो, सबसे गायकवाड़ हो पहला ही गए, रिटेंशन जो 18 करोड़ का है, मानस भी क्या लग रही है कि 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़ होंगे कैप्टन? अनडाउटेडली अनडाउटेडली ऋतुराज गायकवाड़ पहला रिटेंशन रहेंगे। लेकिन बात चल रही थी रिटेंशन की, उससे पहले चीज कहूंगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है मार्केट में, कि 2023 से 2022 से इनकी उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि धोनी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक बंदा आता है कन्याकुमारी से चेन्नई तक साइकिल चला लेता है, उसके पैर इतने फूल जाते हैं, छाले हो जाते हैं उसके, तब भी रिटायरमेंट नहीं ली, ठीक है। उसके बाद सारे न्यूज जर्नलिस्ट मीडिया वाले सारे कवर करके बैठे हैं, हम जैसे चैनल वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कईयों के 0 सब्सक्राइबर से 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, पर धोनी भाई रिटायरमेंट नहीं ले रहे। अब भाई चल क्या रहा है मार्केट में, एक चीज क्लैरिफाई कर दो भाई, धोनी भाई आके ये चीज क्लैरिफाई कर दे कि जब तक मेरी जीवन है मैं खेलता जाऊंगा तो हम सब चुप हो जाएंगे, कोई है नहीं। जीवा की स्कूल फीस भरनी है या घर का मेंटेनेंस चलाना है, वो यार बता दो आप भाई, चाहते क्या हो वो। हमारी हमारी तरफ से तो यही है कि आप 60 साल की रिटायरमेंट तक खेलो, हम तो देखना चाहते हैं, आते देखने आपको, और किसको देखने आते हैं। पर समझ नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है मार्केट में, और न्यूज और मीडिया वाले ऐसे फंसे रहते हैं जिसकी हद नहीं। भाई बात करो आप रिटेंशन की, तो मुझे लगता है 18 करोड़ अनडाउटेडली ऋतुराज गायकवाड़ पहला रिटेंशन रहने वाले हैं। दूसरा रिटेंशन रहेंगे हमारे सर जडेजा, 14 करोड़ में इनको टीम उठा के रखेगी, ठीक है। 11 करोड़ का मेरे को एक रिटेंशन लगता है इनका, शिवम पथिराना हो दुबेगा, सकते शिवम हैं, दुबे, शिवन दुबे का मेरे को। पथिराना को लगा सकते हो यार, पथिराना को मैं कहूँ ना वैसे, पथिराना को लगा सकते हो, 11 करोड़ दे सकते हो यार उसको, और अब चौदह करोड़ दे दिक्कत दो ये कि तुम। 18 करोड़ दोबारा शिवम दुबे को दोगे, क्योंकि अठारह नहीं नहीं करोड़ चौदह थोड़ी करोड़ दूंगा, लेगा चौदह एक्शन, करोड़ दूंगा, 14 करोड़ दूंगा शिवम दुबे को, 18 करोड़ फिफ्थ रिजर्व, रिटेंशन। अट्ठारह अच्छा करोड़ के मेरा लिए। कोई करोड़ दुबे को दे दोगे, 18 करोड़
कॉनवे, रचिन रविंद्र इनको दे पाओगे, ये कुछ ज्यादा हाईली प्राइस टैग हो जाएगा। दो भी अगर ऑक्शन में भी आते हैं तो भी मेरे को लग रहा है चलो 12-14 तक पहुंच जाएंगे, जिस तरह का कैलिबर है उनमें खड़े नहीं, खड़े मैं बोल सिक्स रहा हूँ मारने में। देखो, सेफ्टी सेफ्टी के लिए 14 करोड़ में दुबे को उठा लो, 11 करोड़ दे दो पति राणा को, और बाकी जाओ यार तुम ऑक्शन में उतरो ना डायरेक्ट। यार डेविन कॉनवे को क्या 18 करोड़ दोगे, या डेविन कॉनवे को क्या 14 करोड़ दोगे? अब एक है भाई तुम्हारा, अब एक प्लेयर है तगड़ा, क्या बोलते हैं उसको यार, वो न्यूजीलैंड का है ना, क्या नाम है उसका, रचिन रविंद्र रचिन रविंद्र। अब उसके ऊपर भी 18 करोड़ लगाना भी मेरे को आरटीएम लगता नहीं कि, हाँ आरटीएम सारा लगाओ काफी उस पर, ज्यादा आरटीएम लगाओ हो। 18 14 करोड़ भी, 14 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, आरटीएम कार्ड लगा दो उस पर। अरे अभी ऑक्शन में कितने में उठाया था, 1-2 करोड़ में तो उठाया था रचिन रविंद्र को ऑक्शन में भी, चार पांच जीएसटी का में शायद, चार पांच था, चार चार पांच का चार, शायद, चार पांच का। हाँ मतलब मैं पांच बोल से रहा हूँ कम हर बार के अंदर के, ही उठा लिया था। मैं ऑक्शन की सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है भाई, प्लेयर्स इतने सारे होंगे भरमार, हर टीम अपनी आरटीएम पे जानी है, अपने को लगता है कि गेम चेंज होगा, आरटीएम पे जानी है हर टीम को। और एक वो है ना दिल्ली कैपिटल्स का वो गंजा है ना, वो गेम खेलेगा, वो आरटीएम कार्ड की प्राइस को और बढ़ा देगा, फिर वो भाई उसको पता है कि फ्रेंचाइजी लेगी लेगी इसको, तो फिर वो बाद में जाके और प्राइस बढ़ के, और वो दिल्ली कैपिटल्स वाला तो गंजा गेम अब खेल इसमें ये गया। दिक्कत ही होनी चाहिए कि भी अगर ये सोचे कि हम पति राणा को आरटीएम में ले लो तो ये भूल मत करना भाई, क्योंकि बहुत सारी नहीं टीम मैं है जो बोल रहा हूँ ना, पहले बिगाड़ने के लिए ग्यारह करोड़ पहले कर दो ना, आएगी। मैं हाँ बोल रहा हूँ अगर, 11 करोड़ में कर लो उसको हाँ रिटेन। पति राणा को अगर आप सोचो आरटीएम के अंदर ले लो तो सबसे पहले तो मुंबई पीछे जाएगी, फिर दिल्ली वाले जाएंगे, फिर पंजाब वाले जाएंगे। तो पति राणा को मेरे हिसाब से एक रेयर टैलेंट है, छोड़ना तो नीचे 11 करोड़ के अंदर लेके रख लो, 18-14-11 मैं तो बोल अभी रहा हूँ फिक्स हो एक गए एक पति चीज राणा एक में। एक 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 क्लियर स्टेटमेंट लिख लो, पथिराना किसी और फ्रेंचाइजी में जाते हैं इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, पथिराना दूसरी फ्रेंचाइजी में गया इसका करियर बर्बाद है, इसका करियर सिर्फ चेन्नई में सस्टेन कर सकता है। वो तो देखो दिखाई ये ना, पर मतलब थाला है, सीएसके के अंदर परफॉर्मेंस आई। ये और थाला है तभी तो थाला दूसरे है, पेरियड में रहेगा, ये भी याद रखना और आप, नहीं श्रीलंका तो में फिर भी उतनी नहीं आ थाला। रही, श्रीलंका में भी उतनी नहीं आ रही। चलो बॉल 1-2 निकल जाती बढ़िया यॉर्कर, बट रन भी उतने ही ठुकते हैं, और पति राणा के उसके कंपेरेटिवली कम रन भी ठुकते हैं आईपीएल के अंदर, तो वो गाइडेंस की जरूरत होती है। तो 3 रिटेंशन तो कंफर्म्ड, अब चौथा 14 करोड़ की अगर बात कर रहे हो, ऐसे कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट 5वां रिटेन कर लो आप, चौथा मत करो, मेरे को पता नहीं ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इतना मेरे को पता है नहीं कर सकते यार, ऐसा रहता तो फिर तो सारी टीम्स ना चार ही रिटेंशन कर खत्म कर देती। भाई हाँ देखो, छह फिर तो रिटेंशन ना सही। बहुत कम 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 ही टीम करने वाली है, एक हैदराबाद को छोड़ के मेरे को ऐसा लगता है कि वो छह रिटेंशन या फिर केकेआर को छोड़ कर, ये बीसीसीआई ने बहुत बड़ा खेल खेला और अच्छा खेला। मैं तो बोलता हूँ सबको रिलीज करो, एक बार नए तरीके से ऑप्शन करवाओ, मजा आ जाएगा। पर वो ये कि मुझे लग रहा है कि आप दुबे को मैं तो भी बोलता फिर हूँ, मैं तो बोलता हूँ रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी को भी ऑक्शन में उतार दो, देख लो मजा फिर आ क्या मजे जाता आएंगे, मजे आ जाएंगे कसम से, है। एक नंबर ऑक्शन रहेगा। एक तो ऑक्शन की व्यूअरशिप इतनी तगड़ी रहेगी कि कोई बॉलीवुड की मूवी फेल हो जाए, ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी हाँ फेल हो जाए, इतनी तगड़ी व्यूअरशिप जाएगी ऑक्शन की, भाई लोग काम छोड़ छोड़ के ऑक्शन देख रहे होंगे यार। अब यार ये तो पता नहीं भाई रोहित विराट कब जाएंगे ऑप्शन में, रोहित जा सकते हैं, रोहित की पॉसिबिलिटी, विराट धोनी का तो अब हो गया, वो नहीं जाएंगे ऑप्शन में। बट यार वही नहीं भाई, रोहित सीन है भी कि नहीं अगर जाने आप वाला, रोहित भी रोहित, ऑक्शन में नहीं जाने वाला, ट्रेड हो जाएगा बट ऑक्शन में नहीं आने वाला, ये आपको बता दो, रोहित हाँ ट्रेड क्या नहीं पता जाएगा, ट्रेड हो जाए, पर वही ट्रेड ही सीन है होगा कि रोहित दुबे का। को मेरे हिसाब से यार फिर वही है कि देखना पड़ेगा कि आप क्या आरटीएम के लिए उनको बचा के रखोगे, और आरटीएम में भी रखोगे तो वो 7-8 करोड़ से ऊपर तो जाएंगे शिवम दुबे भी, अगर आपको 18 करोड़ नहीं देने तो फिर आप आरटीएम के पास, आपके 3 ऑप्शन बचेंगे, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे या मोइन। चार दोनों का, एक तो तुम्हारे के चेन्नई में काम भी आ जाएगा हर्षल पटेल, मेरे को ऐसा लगता है कि चेन्नई में वो स्लोअर वन वर्क कर जाएगा जैसे हाँ यूएई में किया था, और एक उमरान मलिक को ले लो, वैसे उमरान को तो मैं चाहता हूँ कि जाना भी तो केकेआर में चला जाए, क्योंकि वहां भरत अरुण रहेंगे, लेट्स सी, हाँ अगर वो तो उमरान तो शायद चेन्नई में काम नहीं आने वाला, वो बीच में बैठने वाले हैं। उमरान, उमरान के पास सिर्फ पेस है ना, तो चेन्नई में वो चलेगा नहीं, चेन्नई को चाहिए, अब चेन्नई के अंदर वापसी हो सकती है अश्विन की, ऐश अन्ना को टारगेट कर सकती है सीएसके की भी, आखिरी के कुछ साल तुम्हारे रिटायरमेंट के हैं, हमारे यहाँ से विदा ले लो, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी ऐश अन्ना को टारगेट करे और ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट करे, मैक्सवेल से भी प्रेम है, पिछले ऑप्शन के अंदर दिखा था बेट पे बेट उठा रहे थे बट आरसीबी ले गया था फिर, तो मैक्सवेल अश्विन ये कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो सीएसके टारगेट करे, और वार्नर का लग रहा है कहीं ना कहीं कि वार्नर को टारगेट करेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि वार्नर यार इस पिच भाई पे चलेंगे यार वार्नर, चेन्नई की पिच पे। वार्नर पिच पे, इस पिच पे चलने लायक नहीं है वार्नर, क्या स्पिन नहीं खेल पाता ढंग की यार, तजवा देता हूँ वार्नर तो पेसरों को तो ऐसा ऐसी मारता है पेसरों की तो रेड जिसकी हद नहीं, लेकिन स्पिन पिच पे वो चेन्नई पे उसका उसको रिकॉर्ड कोई खास आरसीबी की नहीं है पिच चाहिए मेन, उसको उसको, हैदराबाद आरसीबी आरसीबी उसको, वैसी पिच दे आरसीबी दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ आरसीबी वानखेड़े
ऐसी पिचेस दे दोगे तो काम बन जाएगा। हाँ तो मेरी अगर मेरी अभी भी तमन्ना है, अभी भी मेरी ये तमन्ना है कि अगर भुवनेश्वर कुमार रिलीज हो जाते हैं तो भाई सीएसके ले लो यार, भूवी को ले लो, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का एक बढ़िया रिडेम्पशन आ जाएगा सीएसके के अंदर आने के बाद। अगर हैदराबाद रियली में उनको नहीं लेता, आरटीएम यूज नहीं करता, तो एक बढ़िया पावर प्ले का बॉलर भी है और सारे बॉक्स टिक भी हो जाएंगे। क्या लग रहा है, भुवनेश्वर कुमार की पॉसिबिलिटी है? इसमें तो अच्छी चॉइस हो जाएगी, बट मैं भुवनेश्वर को तुम्हारी टीम में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं मुंबई इंडियंस में देखना चाहता हूँ बुमराह के साथ। अरे और यार लेकिन फिर तो मेरे को भाई नहीं लगता कि बाकी चेन्नई, टीम, फिर तो भाई बाकी टीम तबाह हो ऐसी 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 जाएगी। ऐसी जोड़ी बने, ऐसी जोड़ी बने भुवनेश्वर बुमराह और मोहम्मद शमी की। मैं बोल रहा हूँ यार 18-18 करोड़ लगाने लगा दो यार, इन तीन पेसरों को ले आओ, अरे शमी भी कोई तो है, रोक के दिखा दे फिर। शमी भी तो मैं है, वही क्या तो पता बोल रहा हूँ शमी ना, भी ऑप्शन वही में आ बोल जाए। रहा हूँ, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर मोहम्मद शमी और बुमराह की ये जोड़ी आ जाए, छठा टाइटल कोई रोक के दिखा दे जीतने से, फिर मजा नहीं लाएगा। आएगी मुंबई में, तो तो नहीं आएगी भाई। सातवां तक भी हो जाएगा। सीएसके क्या थोड़े ओल्ड ओल्ड पेसर्स की तरफ जाएगी, जिसमें एक तो है बरिंदर सरन, एक है ऋषि अरे धवन, नहीं ऐसे यार ऐसे भाई। ऐसे 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 अरे थोड़े पेसर्स आ सकते हैं इस टीम में, मेरे को लग रहा है उम्मीद है थोड़ी यार बहुत ये कौन सी पेसर है तेरे को भाई, लगता है कि उसके डोमेस्टिक से कुछ अगर प्लेयर्स उठाएंगे इस बार फिर से, जैसे देशपांडे अचानक से आया था, सिमरनजीत से आया था, ये तो वही बात हो अजीत भी गई, नाम है ना ये सर उसका, तो वही बात हो गई, धोनी भैया बोले कि तमिलनाडु यार का भी तेरा फुटबॉलर नाम आया है ना, है उसका नाम जे से नटराजन नाम भी है आ शायद, सकते हैं वो पंजाबी है भाई जो नट। विराट को नेट में काफी ज्यादा तंग किया है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लंबा सा है, वो कल डोमेस्टिक में भी विकेट लिया चेन्नई अरे का, सौराष्ट्र वो क्लब, लंबा सा जे से नाम है यार इंडिया का वो, है क्या? हाँ इंडिया का ही है, कल तमिलनाडु के लिए खेला है वो, सौराष्ट्र के 6 विकेट लिया है वो, विराट को काफी तंग किया नेट में बांग्लादेश वाले सीरीज से पहले। नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को लगा कोई बाहर का प्लेयर होगा लंबा सा, मेरे को लगा मार्को एनसन की बात हो रही है, वो वैसे साउथ तो अफ्रीका का जो लोकल है। फेवरेट भी हो जाएगा। मैं ये मानस भाई ने जो बरेंद्र स्थान की बात करी ना भाई, ये क्या बात कर दी तुमने, बता धोनी भाई की उसके घर पे जाके बोलेगी कि यार तेरा करियर 2016 के बाद नहीं चला, अब आ जा तू चेन्नई में, तेरा करियर अरे चलवा तो दे यार तू मतलब आरटीएम का। अब तो नीतीश कुमार रेड्डी एन कैप में आ भी नहीं सकता, तो पहले उसके ऊपर आरटीएम कार्ड अपनाएंगे ये। वैसे नीतीश कुमार देखो चेन्नई में भी अच्छा चल सकता है वो, और वो मैं वही मैं आपको बोल बताऊं रहा था कि सीएसके का अगर वो नेट अगर बॉलर भी विकेट तो भी तेरे था। पास नहीं आता ना, अगर तेरे पास दुबे नहीं आता, मेरे को लगता है ज्यादा ब्लू इन टू एनी वन, मतलब दुबे भी अच्छा है, बट दुबे से मेरे को ऐसा लगता है कि 5% ज्यादा अच्छी मेरे को उसकी बैटिंग लगी और बॉलिंग लगी है नीतीश कुमार रेड्डी की, तो नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा अच्छा है, अगर इमेजिन कोई दुबे चला जाता तेरे पास, राइट, नीतीश कुमार रेड्डी के चले जाना, एक आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएगा, वो फिनिशर का पता है। यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्पोर्ट्स विद ब्रोस को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर से बताना कि चार रिटेंशन आपके कौन से हैं, धोनी भाई को इंक्लूड करने के बाद कि कौन कौन से प्लेयर्स को आप रेटिंग करना चाहोगे एज अ सीएसके फैन। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय।